मध्य प्रदेश के शाजापुर में पानी की समस्या से जनता परेशान है। यहाँ के नीलकंठ कॉलोनी में पिछले दो महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। रहवासी राजेश सिसरोनिया ने बताया कि बीच में एक दिन छोड़कर पानी मिलता है। वार्ड की जनता पानी के लिए परेशान रहती है, वहीं नगर पालिका अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शाजापुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 29 की नीलकंठ कॉलोनी में पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं चल रही है। हमने कई बार, क्योंकि मैं भी यहाँ का रहवासी हूँ, मैंने कई बार जिला प्रशासक महोदय और नगर पालिका CEO से भी इसके बारे में बात कही, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। साहब वहाँ से फ़ोन पर सिर्फ कर्मचारियों को कह देते हुए, कर्मचारी लगातार यहाँ पर खुदाई पिटाई कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आज भी नल ठीक से नहीं आए, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, और पानी टैंकर वगैरह आते हैं तो वो भी बढ़ जाते हैं, लेकिन जो नल के द्वारा जो समस्या हल हो रही थी वो टैंकर या अन्य छोटी मोटी चीज़ों के द्वारा संभव नहीं है।